जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप काफी मेहनत करते हैं लेकिन उसका उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है, या फिर आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं और आपको समझ में नहीं आती है कि आप उससे कैसे बाहर निकले। आप कई प्रकार के ज्योतिषों से परामर्श भी लेते हैं लेकिन उसका कोई उचित समाधान आपको प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति है, यदि आपकी कुंडली में राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है और काल सर्प दोष के कारण से ये सभी स्थितियां उत्पन्न होती है कि आप अगर अधिक मेहनत भी करेंगे तो उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, या फिर उसका जो क्रेडिट है वो दूसरे ले जाएंगे, या फिर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये सभी काल सर्प दोष के कारण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि काल सर्प दोष का जो समाधान है वो एक सरल समाधान क्या है, हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले वाले भी कई वीडियो में हमने काल सर्प दोष के उपाय बताए थे लेकिन इस वीडियो में हम एक आसान सा उपाय आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ज्योति जगत बार देव निरंजन। दोस्तों, काल सर्प दोष राहु और केतु के कारण निर्मित होते हैं और राहु और केतु को दैत्य ग्रह माना जाता है, वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि अच्छे परिणाम आपको प्रदान करे। इसलिए राहु और केतु यदि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, या फिर मारक स्थिति में है, या फिर बाधक की स्थिति में है, तो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे और आपको हमेशा परेशानी में डाल देंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उपाय और सबसे आसान उपाय मैं आपको आज बताता हूँ। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप 8 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष का एक लॉकेट बनवाकर, उनका कॉम्बिनेशन करके एक लॉकेट बनवाकर उसको शनिवार के दिन या किसी पूर्णिमा या किसी अमावस्या के दिन उसको सिद्ध करके स्वयं धारण करें। तो इससे क्या होगा कि इससे राहु और केतु के जो बेड इफेक्ट हैं वो आपको धीरे धीरे कम मिलना चालू होंगे और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, राहु और केतु का जो अगर आपको शमन करना है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष का एक लॉकेट अवश्य धारण करें। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो 8 दिग्पालों का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट विनायक का भी प्रतीक माना जाता है, गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो भैरव रुद्राक्ष भी कहलाता है, तो भैरव जी का प्रतीक भी माना जाता है। और जहां भैरव जी की शक्ति आती है या फिर भैरव जी का आशीर्वाद रहता है वहां पर राहु के बुरे प्रभाव नगण्य हो जाते हैं, राहु अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाता है। इसके साथ ही जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है वो 9 दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, तो जहां पर 9 दुर्गा का आशीर्वाद होता है वहां पर केतु अपना बुरा प्रभाव नहीं देता है। तो इस प्रकार से राहु और केतु, इनके लिए 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष का एक लॉकेट बनता है और उसको सिद्ध करके शनिवार के दिन पहना जाता है। तो यदि आपके जीवन में भी काफी परेशानियां चल रही है और आपने कई ज्योतिषों से परामर्श किया है लेकिन उसका उचित समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप भी 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट अवश्य धारण करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।